दोस्तों, ये सीसीटीवी फुटेज और ये वीडियो शायद आपको विचलित कर दे और सोचने को मजबूर कर दे। दोस्तों, खबर ही आज ऐसी है। आपको बता दें, महज 12 साल की लड़की से दरिंदों ने ऐसी हरकत की है कि वो 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही और ना तो किसी ने उसे मदद की और ना ही किसी ने पुलिस को सूचना की, और वो खून से सनी हुई 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। बाद में जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने ले जाकर उसका इलाज करवाया, और इलाज के दौरान आपको बता दें, उसका खून इतना बह चुका था कि उसको खून चढ़ाया गया। अब आपको बता दें, पुलिस की कस्टडी में है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है और फिलहाल सही है। दोस्तों, आपको बता दें, खबर है उज्जैन महाकाल MP की, जहां पर दरिंदों ने ऐसा कार्य किया है, इसलिए देश शर्मसार हो गया है। आज देश झुक चुका है ऐसी हैवानियत के सामने। फिलहाल में आपको बता दें, पुलिस के द्वारा SIT का गठन कर दिया गया है और इस पर कार्रवाई को लेकर पुलिस CCTV फुटेज कंगाल रही है और सबूत जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल में आपको बता दें, लड़की स्वस्थ है और वो फिलहाल खतरे से बाहर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दरिंदों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इनको फांसी होनी चाहिए? आप भी लड़की के इंसाफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।